मॉडर्न बाबा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्या आप जानते हैं कि हवा से भी पानी बनाया जा सकता है? जी हाँ, आपने सही सुना। हमारे भारत के साइंटिस्ट ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो सूर्य की उपस्थिति में हवा को पानी में कन्वर्ट कर सकता है। तो आइए इसे डिटेल में देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हरेश और मॉडर्न बाबा के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पृथ्वी पर पीने का पानी सिर्फ 10% है, जो सभी मीठे पानी के झीलों के बराबर है। इसके इस्तेमाल से लाखों लोगों का जीवन बदल सकता है। हमारे साइंटिस्ट ने एक ऐसा मशीन बनाया है जो केवल सोलर एनर्जी का यूज करके हवा से पीने के पानी को खींच सकता है। वाटर हार्वेस्टिंग इतना पावरफुल है कि यह तब भी अच्छी तरीके से काम करता है जब नमी 20% तक कम हो और पृथ्वी पर सबसे सूखी जमीन वाली क्षेत्रों में से हो, जबकि यह टेक्नोलॉजी अब तक कहीं भी कमर्शियलाइज नहीं किया गया है। साइंटिस्ट का कहना है कि उनकी सफलता ने एक ऐसे प्रोडक्ट की नींव रखी है जो दुनिया के उन हिस्सों में सुरक्षित पानी पीने के लिए पहुंचा सकता है जहां बहुत कम पानी होता है। यह दुनिया भर में 4 बिलियन लोगों के जीवन को बदल सकता है जिनके पास हर साल कम से कम 1 महीने के लिए सुरक्षित पीने के लिए पानी लोगों तक नहीं पहुंच सकती। जर्नल साइंस में पब्लिश्ड एक स्टडी के मुताबिक कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले के ओमर यागी और MIT मैसेच्यूसेट्स के एवलिन वांग के गाइडेंस में रिसर्चर्स ने दिखाया कि कैसे उनका मशीन हवा से नमी कलेक्ट करता है और उसे पीने के पानी में कन्वर्ट करता है। टेक्नोलॉजी एक मटेरियल पर बेस्ड है जिसे मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क यानी MOF कहा जाता है। इसे सबसे पहले यागी द्वारा 20 साल पहले डेवलप किया गया था। MOF बहुत ज्यादा हाई सरफेस वाले एरिया में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मेटेलिक यूनिट्स को एक साथ पोरस फ्रेमवर्क्स में सिलाई करके बनाई गई मटेरियल है, यागी ने एक ईमेल इंटरव्यू में न्यूज़वीक को बताया। MOF सॉलिड्स होते हैं जो खाली आंखों से रेत से अलग नहीं दिखाई देते, जहां हर एक ग्रेन्यूल्स को होल्स में भरा जाता है जिसमें गैसों और इंटरेस्ट के मॉलिक्यूल्स को चुनकर लाया जाता है और कॉम्पैक्ट किया जाता है, और यह भी मुमकिन है कि छोटे कंटेनरों में गैस की मात्रा को स्टोर किया जा सके। हाल ही में उन्होंने एक मैकेनिकल इंजीनियर और वांग ने मिलकर एक MOF डिवाइस डेवलप किया जो पानी कलेक्ट कर सकती थी। उनके प्रोटोटाइप स्पेसिफिकली डिजाइन किए गए MOF क्रिस्टल जो एक सोलर एब्जॉर्बर और एक कंडेंसर प्लेट के बीच में कंप्रेस्ड होते हैं। यागी कहते हैं जैसे जैसे हवा MOF मटेरियल से गुजरती है, पानी अपने छोटे नैनोमीटर के आकार के छिद्रों में फंस जाता है और फिर सेंट्रलाइज हो जाता है। अमित जो रॉयटर्स से हैं ने कहा, अहमदाबाद में वीड्स ने साबरमती नदी को कवर किया हुआ है। दुनिया भर में अरबों लोगों के पास स्वच्छ जल की लिमिटेड पहुंच है। सूरज की रोशनी से गर्म होने पर पानी को छिद्रों से छोड़ा जाता है और डिवाइस और आसपास की मटेरियल में टेम्परेचर में डिफरेंस के कारण वो परिणाम स्वरूप कंडेंस्ड हो जाता है। इस मटेरियल ने अपनी स्पेशल प्रॉपर्टी जिसने यह सब मुमकिन बनाया है। यह फैक्ट है कि इसमें पानी के मॉलिक्यूल्स को हवा से बाहर खींचने के लिए हाईली अट्रैक्टिव होता है, लेकिन उन पर बहुत ज्यादा पकड़ नहीं बना सकते ताकि पानी को थोड़ा टेम्परेचर में चेंजेस के साथ सेंट्रलाइज्ड और छोड़ा जा सके। जब उन्होंने डिवाइस का टेस्टिंग किया तो एक टिश्यू बॉक्स के आकार से उन्होंने दिखाया कि यह 12 घंटे से ज्यादा हवा से 2.8 लीटर पानी खींच सकता है। यह सिर्फ 20-30% नमी वाले सिचुएशन में था। उन्होंने असली दुनिया की सिचुएशंस में काम करने के लिए छत पर भी टेस्ट किया। डिवाइस केवल कॉन्सेप्ट का एक प्रूफ है और टीम का मानना है कि कलेक्ट किए हुए पानी की मात्रा को दोगुना करने के लिए इसमें सुधार किया जा सकता है, जबकि यह कम नमी वाले स्तर में भी काम कर रहा है। टीम अभी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए इन सुधारों को करने का प्लान बना रही है। वांग न्यूज़वीक को बताते हैं कि फिलहाल डिवाइस एक कमर्शियल प्रोडक्ट के रूप में मुमकिन नहीं है। हम ये करना चाहते हैं कि इस डिवाइस में नई लेयर्स को शामिल करके जो इस डिवाइस को अंदरूनी लेवल पर बहुत ज्यादा पानी जमा कर सके।
MOFs को अब और ज्यादा कस्टमाइज किया जा सकता है ताकि वे पानी जमा कर सकें। असली चाबी तो इंजीनियरिंग में है। एक बार जब आप मटेरियल की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं तो निश्चित रूप से एक्चुअल सिस्टम के वेट और ओवरऑल साइज को कम किया जा सकता है। फिर हम इन लेयर्स को सिस्टम में कैसे स्टैक कर सकते हैं, इसके ब्रिलियंट डिजाइंस के बारे में सोच सकते हैं, जिसके द्वारा आप वेपर्स के मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट और पानी के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। कैरी ऑन सूटकेस के साइज के बराबर इसे एक 30 लीटर की सिस्टम बनाने का प्लान है, जो हर दिन 4 परिवारों के लिए पीने का पानी अवेलेबल करा सकेगी। उनका कहना है कि यह अगले 2 सालों के अंदर किया जा सकता है। यागी कहते हैं कि यह कमर्शियलाइजेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इन्वेंशन को लेबोरेटरी से बाहर निकालने और असली दुनिया की कंडीशंस में डिवाइस का डिस्प्ले करते हुए हमने दिखाया है कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क काम करता है और जिस डिवाइस में यह रखा हुआ है वह सूखी हवा से पानी को फंसाकर ऑपरेट और डिलीवर कर सकता है। निश्चित रूप से ज्यादा नमी पर पानी जमा करने के लिए कई टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन सभी उन कम नमी पर काम नहीं करते हैं जैसा कि यह MOF डिवाइस करता है। कहने की जरूरत नहीं है, यह फैक्ट है कि हमारा डिवाइस वातावरण के धूप में भी काम करता है और यह यूनिक है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर करें और ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हम फिर से आएंगे एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।